एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो आप इमीडिएटली डिसीजन भी नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं सोच सकते, बट आफ्टर मिस वर्ल्ड आई थिंक इट्स अ नेचुरल स्टेप, क्योंकि मिस वर्ल्ड बनने के बाद एक आप जो लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद एक नेचुरल स्टेप होता है कि आप उसी लेवल को मेंटेन करें. ज़्यादातर हम देखेंगे कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इवन अगर आप मिस वर्ल्ड हैं या मिस यूनिवर्स हैं या आपने एक अंतर्राष्ट्रीय जो टाइटल पाया है उसके बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कंट्रीज़ में. अगर आप टीवी आर्टिस्ट भी बने तो भी आपको उतना ही मान सम्मान मिलेगा, बट इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं अभी फॉर अ सेलिब्रिटी टू कंटिन्यू ऑन द सेम लेवल. एंड अदर देन द फैक्ट ऑल्सो दैट आई डिड डिवेलप अ पैशन फॉर एक्टिंग, आई थॉट कि ये एक लाइन है जहाँ पर मैं खुद को इन्जॉय करूँगी. एक कोई सेमिनार था जहाँ पर कि मैं किशोर नमित कपूर से मिली जो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं एंड बहुत स्टार्स बन गए हैं बड़े. तो जब वो मुझे मिले थे तब उन्होंने ऋतिक रोशन का नाम लिया था, सो इट वॉज़ वेरी स्वीट. उन्होंने कहा कि आप, मैं नहीं जानता कि आप फिल्म्स करना चाहते हैं कि नहीं, बट एटलीस्ट आप क्लासेस में आइए और 10 दिन आप अटेंड करके देखिए आपको कैसा लगता है. सो मैंने एक हफ्ता 10 दिन अटेंड किया उनका कोर्स और उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग. बाकी स्टूडेंट्स और बाकी जो मेरे कलीग्स थे उनके साथ इतना मज़ा आ रहा था कि आई थॉट दिस वुड बी अ गुड. एंड ऑफकोर्स आई वॉज गेटिंग इन अ लॉट ऑफ ऑफर्स, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट ऑफर्स वर कमिंग द डे आई लैंडेड इन इंडिया. जैसे ही मैं टाइटल जीत के वापस बॉम्बे आई तो एक था कि इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं उनको क्या जवाब दिया जाए, तो काफ़ी देर तक आप उनको बोलते हैं कि नहीं अभी तक डिसीजन नहीं लिया है. सो फाइनली दैट्स हाउ इट हैपन, आई जॉइन द कोर्स एंड द ऑफर्स वर कमिंग इन, सो आई फाइनली डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट. No, I didn't. But I wanted to be rich and famous when I was young. जब से मैं छोटी थी हमारी मम्मी दादी ने ये values instill की थी कि आप जो भी कुछ करें, भले आप doctor बन रहे हैं या architect बन रहे हैं, आपने जो भी कुछ कदम उठाना है life में आप उसमें नाम कमाएंगे. You have to be famous in the whole world. That was something that was instilled in both of us, me and my brother, since we were little. So the drive to become a big and famous person was always there. So I think this was just a means to becoming big and famous in one of the ways. But I've just started, so it's too soon. This is your debut film. Yeah. So, aapne kis aadhar par ye film chuni? Bahut sare factors the. Ek to mujhe jab kahani sunai gayi thi, to puri kahani nahi sunai unhone. First meeting mein unhone sirf 10 minute mein mujhe one line sunaya tha. तो मुझे स्क्रिप्ट तभी इतनी पसंद आई क्योंकि कहानी में इतना कुछ हो रहा है कि आप 70% कहानी होने तक आप गैस नहीं कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हो रहा है. 70% मतलब इंटरवल के भी आधा एक घंटा होने के बाद यू कैन, आपको पूरी कहानी समझ में आती है. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और जो दूसरा कारण ये था कि मुझे लगा कि इस जो रोल था फिल्म में लड़की का वो इतना सेंट्रल कैरेक्टर था और उसमें इतना कुछ परफॉर्म करने के लिए है कि आई थॉट कि अगर मैं अपनी पहली फिल्म में इतना कुछ दिखा सकती हूँ तो आई कैन प्रूव टू पीपल व्हाट इज़ माय कैलिबर एज एन एक्ट्रेस. आई कैन प्रूव कि इतना परफॉर्मेंस या इतनी कला है मेरे अंदर, इतनी कला रख करने की क्षमता रखती हूँ. सो आई थॉट दैट वाज क्वाइट अ चैलेंज टू डूइंग द यूजुअल रनिंग अराउंड ट्रीज इन द यूजुअल इनोसेंट कॉलेज गोइंग टाइप ऑफ गर्ल्स. जो रोल है वो उसका नाम है शीतल अपुरा, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ. शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड गर्ल. वो बहुत ही कठिनाइयों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है. शी इज़ द सोल पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फैमिली, मतलब वो अपने पिता को और अपने भाइयों को सपोर्ट कर रही है. तो उसने उसमें एक ऐसी एरोगेंस है और उसमें एक ऐसी ताकत है कि जो वो चाहे ज़िंदगी में, और जब वो चाहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पाना है, तो वो उसको पाकर रहेगी. शी इज़ गॉट अ स्टील लाइक डिटर्मिनेशन अबाउट हर. एंड एज अ टाइटल सजेस्ट एज प्यासा, तो उसे भी किसी चीज़ की प्यास है ज़िंदगी में. तो पूरी कहानी उस पर आधारित है कि आफ्ताब की और उसकी
प्यास बुझने में क्या क्या होता है. पहला जो दिन था वो शिमला में था, 7 जनवरी को इसी साल 2001 में. और जनवरी में शिमला में इतनी ठंड थी कि बर्दाश्त के बाहर थी. और मतलब पहला दिन शूटिंग का है, इतने सारे लोग देख रहे हैं आपको. और मैंने सुबह से मुझे वेट करा के रखा था, उन्होंने कहा कि शिफ्ट करें लोकेशंस, क्योंकि अलग अलग गाना जो है, गाना शूट कर रहे थे, आफ्ताब का ड्रीम सीक्वेंस था, तो अलग अलग लोकेशन में मूव कर रहे थे. तो मुझे लगा अभी मेरा शॉट आएगा. फाइनली शाम को वहाँ पर, बिकॉज ठंड थी तो लाइट 3-4, 4:30 तक सेट हो जाती है, तो उन्होंने मेरा शॉट डिसाइड किया कि आज मुहूर्त शॉट लेना चाहिए. सुबह से बिठा के रखा है. सो आई वाज ड्रेस्ड इन अ पिंक कश्मीरी आउटफिट एंड माय फर्स्ट शॉट वाज टेकन एट अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग. बहुत ठंड थी, बहुत सारे लोग खड़े थे. फाइनली सुबह से लेकर शाम तक मैं वैन से बाहर निकली और मुझे कैमरा की तरफ आना था. और क्योंकि इतनी ठंड थी और कश्मीरी आउटफिट मतलब सलवार कमीज जैसा, तो उसके ऊपर मैंने कोई स्वेटर तो पहना नहीं हुआ था, तो मेरी ठंडी हवा से मेरी आँखों में पानी आ रहा था. सो वो 2-3 बार रीटेक हुए उसके, तो कैमरामैन बोला कि आपकी आँखें बहुत ऐसे ब्लिंक हो रही हैं तो नहीं चलेगा. तो बोला सर बहुत पानी आ रहा है आँखों में क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट शॉट, सो इतनी ठंड है. ही सेड नो एक्सक्यूजेस, आई वॉन्ट माई शॉट और लाइट जा रही है, सो आप सो देन फाइनली आई गेव इट, आई जस्ट टेक अ टर्न एंड द शॉट वॉज इन केप्ट अल्टीमेटली बिकॉज इट वॉज अ मुहूर्त शॉट, वॉज इन केप्ट बिकॉज वो लाइट तब तक इतनी जा चुकी थी कि दे कुडंट कैन द शॉट. बट दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. नो बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, नथिंग मच रियली. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आफ्ताब ने तो बचपन से फिल्में की हैं, तो उसको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है फिल्मों का. और मुत्तू जी जो हैं हमारे डायरेक्टर, वो एडिटर रहे हैं इतने सालों से, तो उनको भी एक्सपीरियंस है फिल्म लाइन में, उनको पता है कि किस तरह से. बट आई थिंक एज एन एक्ट्रेस आई हैव लर्नड अ लॉट, एज एन आर्टिस्ट आई हैव ग्रोन थ्रू दिस फिल्म. एंड नाउ दैट हम फिल्म के लास्ट लेग पर हैं, लास्ट 10-15 दिन की शूटिंग बाकी बची है, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आई एम क्वाइट हैप्पी दैट आई हैव लर्नड एंड आई हैव ग्रोन सो मच थ्रू आउट दिस फिल्म. I have to a certain extent crossed my own expectations. काफ़ी ऐसे difficult scenes थे जो पहले जब आपको एक दिन डायलॉग शीट दी जाती तो आप माइंड में सोचते हैं कि इसको मैं अगले दिन कैसे करूँगी, लेकिन जब सेट पे पहुँचते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, बिकॉज वॉट यू प्रिपेयर्ड यू कैन प्रॉब्ली क्रॉस बियॉन्ड दैट विद योर को आर्टिस्ट सजेस्टिंग, योर डायरेक्टर पुटिंग गेटिंग यू इन टू द मूड. तो काफ़ी अच्छे सीन्स हमने किए हैं, काफ़ी इंटरटेनिंग फिल्म बनाई है और आशा यही है कि सब लोगों को पसंद आए. आई थिंक इट्स जस्ट एन इनिशियल हिकअप. हर इंसान के शुरुआत में कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द कमेंट्स. शायद अगर मैं इतनी लंबी नहीं होती तो कोई और बात पे कमेंट होता, हम नहीं जानते. बट नो, देयर बीन लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस, देयर सुष्मिता एंड देयर शिल्पा शेट्टी एंड ऑल द एक्ट्रेसेस ऑफ द यस्टरडेज हैव ऑल गॉट वंडरफुल हाइट्स. आई मीन श्रीदेवी एंड हेमा मालिनी, इवन नूतन. तो छोटी सी बात है, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू एज सच, कोई उस पर बात करने वाली. Not at all. There's plenty of opportunities and it's just a matter of time before I've proved myself that more opportunities will come knocking my way. फिलहाल तो ये पहली फिल्म है एंड जो दूसरी फिल्में हैं वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तो उनके बारे में अभी मेंशन नहीं करना पसंद करूँगी. बट एक तमिल फिल्म है और एक तेलुगु फिल्म है, पर उनको शुरू होते होते अब टाइम लगेगा. आई थिंक नवंबर दिसंबर के पहले तो नहीं शुरू होंगी. एंड प्यासा इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट फिल्म. या